नमस्कार, आरके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने मैं एक बेबी स्वेटर लेकर आई हूँ, जो कि नीचे और पूरे साइडा बनाकर बाद में ऊपर से राउंड बनाएंगे। ये मैंने 8 फंदे मैंने बटन पट्टी के बनाए हैं और 30 फंदे हमने ये रखे हैं। चलो आपको डिज़ाइन पाना सिखाती हूँ। मैंने 1, 2, 3, 4, 8 सिलाइयाँ बॉर्डर की डाल के फिर मैंने डिज़ाइन डाला, फिर बीच में मैंने थोड़ा प्लेन बुन के फिर बॉर्डर डिज़ाइन डाला। आप अपने हिसाब से जितना मर्जी डाल सकते हो। जहाँ बटन होल बनाए मैंने, अब डिज़ाइन पना सिखाती हूँ आपको। एक, दो, तीन फंदे, तीन सीधे बुन के एक फंदा हमने उतार लिया। एक, दो, तीन, वैसे 7 फंदों का डिज़ाइन है। फिर एक फंदा हमने उतार लिया, एक, दो, तीन, फिर फंदा उतार लिया, एक, दो, तीन, फिर फंदा उतार लिया, दो, तीन, फिर फंदा उतार लिया, एक, दो, तीन, फिर फंदा उतार लिया, एक, दो और तीन, फिर फंदा उतार लिया, एक, दो, तीन, फिर फंदा उतार लिया। एक सेंटर प्लेन आ गया। उल्टी सिलाई, वैसे फंदा उतारा, ये भी उतार लिया, धागा आ पीछे, दोनों तरफ से सीधा ही बुनेंगे, सीधी सीधी सिलाइयाँ ही आएंगी। एक, दो और तीन, धागा आगे करके ये वाला फंदा उतार लेना, फिर धागा पीछे, फिर तीन फंदे सीधे, फिर धागा आगे, फिर फंदा उतार लिया, फिर धागा पीछे, तीन फंदे फिर सीधे, फिर धागा आगे, फंदा उतारा, धागा पीछे, फिर धागा आगे, फंदा उतारा, धागा फिर पीछे। फंदा उतारा, फंदा उल्टा उतारना, उल्टा धागे में ऐसे उल्टा धागा करके ऐसे। ये बटन पट्टी है, इसको हम प्लेन बुनेंगे, इसका धागा इधर कर देंगे। फिर उसी तरह जो हमने 4 सिलाइयाँ डालनी है, फिर उसी तरह सीधा बुन के फिर फंदा उतारा, तीन फंदे बुने फिर फंदा उतारा, तीन फंदे बुने फिर फंदा उतार लिया, इसी तरह सिलाई कंप्लीट करके फंदा उतार लिया। तीन फंदे सीधे बुन लेने, एक फंदा उतारे जाना।
उल्टी सिलाई। फंदा उतार के फिर धागा पीछे, फिर सीधे सिलाइयाँ ही डालनी है। फिर धागा आगे, फंदा उतारा, धागा पीछे। इसी तरह रो कंप्लीट कर लो आप। ये देखो कंप्लीट। अब हमने ये वाला धागा का बनाना है। ये देखो अब हम ये एक फंदा सीधा बुन लेंगे। सीधा बुन के फिर ये वाला फंदा हमने उतारना है। फिर हमने तीन सीधे, अब जो फंदे तीन है ना, तीन के सेंटर वाला फंदा हमने उतारना, ये वाला। ऐसे डिजाइन आ जाएगा ना, ऐसे। फिर वाला फंदा उतार के बाकी वैसे जैसे पहले बुना था वैसे ही है। ये फंदा सेंटर वाला उतारना, तीन बुन लिए, सेंटर वाला उतारा, एक दो और तीन, ये सेंटर वाला उतार लिया, एक दो और तीन, ये सेंटर वाला उतार लिया, एक दो और तीन। जो तीन फंदे अब आगे हमने फिर ये वाला उतारेंगे, उल्टी सिलाई वैसे जैसे हमने बनाई थी। धागा आगे, ये फंदा उतार लिया ना। ऐसे आप पूरी कंप्लीट कर लो। दो चार सिलाई, एक सिलाई दो सिलाइयाँ और डाल के इसकी कंप्लीट कर लो। ये देखो ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब फिर हमने येलो करना है। इसके लिए हमने क्या करना, वही फिर तीन फंदे हम पहले सीधे आ जाएंगे, फिर ये वाला उतारना, फिर तीन फंदे सीधे, फिर ये वाला उतारना, तीन येलो, ऐसे हमने पूरा कंप्लीट कर लेना। पूरे बाजू सारा कुछ कंप्लीट करके फिर हम आपको आगे बताती हूँ क्या करना है। ऐसे हमें पीछे वाला हिस्सा भी बुन लेंगे डिज़ाइन डालकर। ये देखो अब हमने तीन सिलाइयाँ और डाल के ऐसा बन जाएगा। मैंने इतना भी सीधा डाला, 20-20 सिलाइयाँ मैंने प्लेन डाल ली हैं बीच में। ऐसे डाल के आगे कंप्लीट कर लिया। ये देखो ये मैंने पूरा बना लिया और पूरा राउंड सिलाई में मैंने डाल लिया। ये देखो पहले मैंने 8 फंदे पट्टी के हैं और 30 फंदे आगे वाले हिस्से के हैं।
फिर आ गई मेरी बाजू, बाजू के मैंने 32 फंदे नीचे डाल लिए हैं और 54 फंदे मैंने ऊपर किए हैं ऊपर। फिर आ गया पीछे वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्से में मैंने 70 फंदे डाले हैं। फिर बाजू आ गई और फिर आप हमारा मोर वाला हिस्सा आ गया, आगे वाला हिस्सा ऐसे राउंड में जाएगा, ऐसे राउंड में बनेगा। ये देखो अब हमने सारे को इकट्ठा ही बुनना है, एक और आपको फिर बता देती हूँ। पीछे वाले हिस्से में 70 फंदे डाल रहे हैं और आगे वाले में मैंने 30-30 फंदे डाल के और 8-8 फंदे पट्टी के बनाए मैंने, और बाजू के 16-32 फंदे नीचे और 54 फंदे ऊपर किए मैंने। बड़ा स्वेटर बनाना होगा अपने हिसाब से फंदे बढ़ाते जाओ, ये 2-2.5 साल के बच्चे का है। अब हमने सारे इकट्ठे बुनने हैं, इकट्ठे आएंगे। ये राउंड सिलाई में ही बनेंगे नहीं तो फंदे बाहर निकल जाएंगे। इसकी लंबाई मैंने सारी एक जैसी रखी है, पूरी एक गिट है। आप अपने बच्चे के हिसाब से छोटी बड़ी कर सकते हो। ऊपर वाला हिस्सा सारा राउंड से बनेगा, ये वाला ऊपर मैंने कोई डिजाइन नहीं डाला, बिल्कुल सिंपल बनाया है। इस धागे को हमने साथ साथ ही ले जाना है। क्योंकि ये हमारा धागा काटा हुआ ना, ये सारे धागे साथ साथ ही जाएंगे। ऐसी पूरी सिलाई कंप्लीट कर लो आप, पूरी सिलाई ऐसे ही, ये साथ साथ ही सारे जो धागे काटे हुए हैं ना हमने, वो साथ साथ ही ऐसे पूरे हो जाएंगे। पूरा ऐसे ही राउंड में जाएगा। आप ऐसे पूरी सिलाई राउंड कंप्लीट कर लो। ये देखो
इतना मैंने तैयार कर लिया। जो मैंने डिज़ाइन सेंटर में डाला 20 सिलाइयाँ मैंने फिर डाल ली हैं। 20 सिलाइयाँ डाल के फिर हमने क्या करना है, ये देखो बटन पट्टी के हमने फंदे जितने थे 8 फंदे बुन के फिर हमने 2 का 1 करना है, 2 का 1, 1 सिंपल, फिर 2 का 1, फिर 1 सिंपल, फिर 2 का 1, फिर 1 सिंपल, फिर 2 का 1, 1 सिंपल, फिर 2 का 1, ऐसे हमने पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। 1 सिंपल बुनना, फिर 2 का 1 करना, फिर 1 सिंपल, फिर 2 का 1 करना। फिर सिंपल, फिर 2 का 1, ऐसे हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। पूरी सिलाई में 2 का 1 करते जाना और 1 सिंपल बुनते जाना, पूरा कंप्लीट कर लेना, ऐसे पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट कर लेनी। ऐसे सिंपल है, कुछ नहीं करना, 2 का 1 करना बस। ये देखो दरअसल फंदे कटाने हैं हमने, ऊपर की गुलाई बन रही है ना, गुलाई के लिए हमने फंदे ऐसे कटाते जाना। बटन पट्टी के आ गए हमारे, ये धागा इसलिए लगाया क्योंकि हमने जब जेलो डालना ना तो जेलो डालने जो कोई भी कलर आप डालोगे तो फिर इधर पट्टी के लिए हमें चाहिए धागा सेम। उल्टी सिलाई, ये बटन पट्टी के हो गए उल्टी, सारी उल्टी जाएगी, इसमें कोई कटाई नहीं करनी, सिंपल उल्टी। पूरी उल्टी सिलाई सिंपल, फिर उसके ऊपर हमने ये वाला डिज़ाइन फिर डालना, ये वाला, इसलिए जब इधर पट्टी के लिए हमने धागा वक्रा लगाना पड़ेगा, ये वाला। अब उल्टी सिलाई पूरी उल्टी डाल लो, फिर आगे आपको दिखाती हूँ कैसे। जी देखो वही वाला डिज़ाइन, फिर 3 फंदे बुन लेने, 1 फंदा उतारना, एक बार फंदे हमने फिर कटाने हैं। एंड में मैंने इसको आपको ये बताना था कि एंड में ना धागा आपको पट्टी के लिए ना इधर लगाना पड़ेगा, इधर पट्टी के लिए ना दूसरा धागा जैसे मैंने ये लगाया हुआ ऐसे आपको लगाना पड़ेगा ये वाला, क्योंकि पट्टी के लिए तो पीला जैलो धागा नहीं ना चाहिए हमें। आप कोई भी डिज़ाइन डालोगे, कोई भी कलर डालोगे, जो मेन कलर है वो आपको इधर लगाना पड़ेगा, ऐसे आप ये बनाकर और 20 सिलाइयाँ फिर डाल के फिर आपको आगे मैं बताऊँगी कैसे करना। ये देखो इतना हो गया, अब हमने फिर एक कटाई करनी है, फिर हमने 2 का 1
हर सिलाई में आगे दो 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 का एक करके एक सिंपल बुनते थे ना, अब दोनों को एक एक करते जाना। दोनों फंदों का हमने एक एक करते जाना, दो का एक हर फंदे में, दो का एक। हर फंदे में दो का एक ही करते जाना। दो का एक, दो का एक, दो का एक ही करते जाना। पूरे सिलाई ऐसी रो खत्म कर देंगे। हमने फंदे कटाने हैं, 70 फंदे हमने रखने हैं, बाकी फंदे हमने 70 फंदे बीच में और पट्टी के वक्रे, वो तो 8-8 फंदे है ही है। ऐसे पूरा दो का एक करके आप फंदे गिन लेना, नहीं तो फिर उल्टी सिलाई में फिर हम फंदे सत्तर फंदे रखने हैं। दो का एक करते जाओ, पूरी सिलाई रो ऐसे खत्म कर लेना। दो का एक, जी मैंने फंदे दो दो का एक करके मैंने फंदे बना लिए, मेरे 10 फंदे एक्स्ट्रा बन गए हैं। अब मैं उल्टी सिलाई डाल के फिर ये डिज़ाइन डाल लूँगी, डिज़ाइन डाल के फिर मैं 10 फंदे वो कटा लूँगी, तीन तीन चार चार फंदों के बाद एक एक फंदा कटा के पूरे 70 फंदे कर लूँगी। उसके आगे फिर बॉर्डर ये वाला आ जाएगा। अब ये डिज़ाइन डाल के फिर मैं आपको बताती हूँ 10 फंदे कैसे कम करने हैं। उल्टी सिलाई आप डाल लो, फिर यह डिज़ाइन डाल लो, फिर आपको बताती हूँ। ये देखो, ये मैंने पूरा कर लिया। अब हमारे 10 फंदे एक्स्ट्रा थे, वो हमने बीच में 10-10 फंदे बुन के दो दो फंदे हमने कम करते जाना। 10-10 फंदे बुन के दो का एक करते जाएंगे ऐसे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और 10, फिर दो का एक। ऐसे हमने करके पूरा कंप्लीट कर लेने, फिर उल्टी सिलाई डाल के फिर हमने ये बॉर्डर बनाना है ऐसे। एक, दो, तीन, चार, 8 सिलाइयाँ हमने फिर डालनी बॉर्डर के लिए। इतना बनाकर फिर आपको मैं दिखाती हूँ कैसे पूरा बनाकर। बस ऐसे बना लो आप, पूरे अपने 70 फंदे रखने, बाकी फंदे आपने पूरे बंद कर देने हैं। दो का एक, ऐसे पूरा बंद करके फिर हमने बॉर्डर बनाकर फिर आगे आपको पूरा दिखाती हूँ बनाकर मैं। ये देखो, अब हमने इसको बंद कर देना साधारण, जैसे हम बंद करते हैं।
बनके तैयार हो गया। ये देखो अब यहाँ से हम स्टिचिंग कर देंगे, ये वाला यहाँ से पूरी स्टिचिंग हो जाएगी। अब यहाँ बटन लगा देंगे, ये देखो बनके पूरी तैयार हो गई पीछे से। अब बटन लगाने रह गए, अब हम बनाएंगे बूट। ये देखो ये मैंने बूट बनाया है, यहाँ बटन लगाएंगे। बटन लगा लो, कुछ भी बना लो, बूट लगा लो, बना के कुछ भी लगा सकते हो। मैंने ये बूट बनाकर पीछों से ऐसे फोल्ड किए हैं, आप सीधा भी कर सकते हो, ऐसे मैंने फोल्ड कर दिए। ऐसे फोल्ड किए हैं, बहुत सरल है बनाने। चलो आपको बनाना सिखाते हैं। हमने वही वाला डिजाइन है जहां भी डाल दिया, ये देखो बिल्कुल सरल है। जब मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 फंदे डाल के मैंने 20 फंदे डाल के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 सिलाइयाँ मैंने 16 70 32 सिलाइयाँ 60 जे वट्टा जी आ जाए जे मैंने डाली है। 20 फंदे डाले हैं, सीधी सीधी डाली है, कोई कुछ नहीं किया, सीधे सीधे सिलाइयाँ बोली हैं। अब हम ये वाला सेंटर में ये डिज़ाइन डालेंगे, ये वाला डिज़ाइन। ये डिज़ाइन डाल के मैंने 10 सिलाइयाँ बीच में 1 2 3 4 5 हाँ 5 सिलाइयाँ मैंने 6 सिलाइयाँ मैंने 5 सीधी 5 उल्टी 10 सिलाइयाँ हो गई। ये डाल के मैंने ये बनाया, फिर आगे डिज़ाइन यही डालना, फिर उस तो आगे फिर यही बनाना। चलो आपको बनाना सिखाते हैं। ये इतना डाल लिया, इतना बनाकर अब हम लगाएंगे ये येलो धागा। तीन सीधे, एक फंदा उतार लेना ऐसे, फिर तीन सीधे, जैसे वो डिजाइन डाला ना सेम वही। एक फंदा उतार, तीन सीधे, उल्टी सिलाई में भी सीधी आएगी ये। फंदा उतारा, फिर आगे पीछे
फिर तीन सीधे धागा आगे, फंदा उतारा, धागा पीछे, फिर तीन सीधे, फिर धागा आगे, फंदा उतारा, धागा पीछे, फिर धागा उतारा। ऐसे आप पूरा डिज़ाइन डाल लो, फिर आगे आपको बताती हूँ। पूरा ऐसे डिज़ाइन ये वाला इतना डाल लो बीच में, जितना आपने जितना चाहे बना सकते हो, वैसे मैंने इतना ही डाला है। एक दो तीन चार पाँच, फिर डिज़ाइन डाल लो और फिर सीधा बुनना। फिर आप इतना डाल के आपको आगे बताती हूँ। फिर ये देखो, सॉरी मैंने ना ये बताया था ना आपको, दस सिलाइयाँ, दस नहीं छः सिलाइयाँ डालनी है ये वालियाँ। ये प्लेन मैंने छः डाल ली है। ये डिज़ाइन तो जितना है उतने ही डिज़ाइन की, ये छः सिलाइयाँ मैंने प्लेन से उल्टी की डाल ली है। अब फिर हमने ये इतना डिज़ाइन डाल के, अब 16 जो ये डाली ना मैंने, 16 और डालनी इधर डालनी है। पीला धागा हमने काट दिया। अब सिंपल फिर सीधी सीधी सिलाइयाँ हमने 16 ये बनानी है, ये वाली 32 सिलाइयाँ हो जाएंगी, 16 ये बट्टा हो जाएंगी। जो 16 सिलाइयाँ डाल के फिर आगे आपको मैं बताती हूँ कैसे करना है। ये 6 सिलाइयाँ हैं ये वाली हैं प्लेन, ये वाली है। बाकी डिज़ाइन मैंने बनाया, अब इतनी डाल के फिर आगे आपको बताती हूँ। हाँ देखो, पूरा बन गया। 16 यहाँ डाल ली मैंने सिलाइयाँ, 16 इधर, बाकी सेंटर में डिज़ाइन डाला। अब इसको हम बंद कर देंगे। सिंपल जैसे बंद करते हैं। पूरा ऐसे बंद कर देंगे। ये 1 साल के बच्चे के आराम से आ जाएगा, 1 साल के बच्चे का मैंने बनाया है। छोटा बनाना हो तो कम फंदे डाल लो, बड़ा बनाना हो तो ज़्यादा फंदे डाल लो। ऐसे पूरा बंद कर दो। अब हम यहाँ पर सिलाई करेंगे और इधर सिलाई करेंगे। ये हमने दो तरफ से हमने स्टिचिंग कर ली है इसकी। आप जैसे करते हो, मैं तो सीधी तरफ से सिलाई करती हूँ। इधर भी सिलाई करोगे, इधर भी दोनों तरफ सिलाई करके ऐसे ना पूरी सिलाई कर लेंगे, इधर भी और इधर भी ऐसे पूरा करके। फिर आपको मैं दिखाती हूँ, इधर भी करनी है और इधर भी करनी है, फिर आपको मैं दिखाती हूँ।
ये देखो इधर से भी स्टिचिंग हो गई और इधर से भी हो गई, ये यहाँ भी कर दी और यहाँ भी कर दी। अब हमने ये वाला पोर्शन मैंने धागा डाला सुई में, छोटे छोटे हमने लेने हैं ये वाले टंके। ऐसे इसको टाइट इसको अच्छी तरह टाइट हमने कर देना। फिर हमने ऐसे इसको फोल्ड कर दिया ऐसा, ऐसे चाहो तो जहाँ भी एक टंका आप लगा सकते हो, जहाँ हम बटन वगैरह कुछ लगा देंगे। ये देखो यहाँ हम कोई फ्लावर बनाकर ला देंगे जब बटन लगा देंगे, वो आपको लगा के मैं दिखाती हूँ। ये देखो ये बूट बन गया, मैंने यहाँ ये नग लगा दिया, बटन लगा दिया मैंने। आप चाहे तो कुछ भी लगा सकते हो, वो बनाकर लगा सकते हो, बूबू लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ज़रूर करना।